नागपुर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के हॉस्टल एरिया में रात करीब 2 से 3 बजे हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खटखटाकर छात्राओं को डराने वाले अज्ञात युवक का वीडियो वायरल होने के बाद अब अस्पताल प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अज्ञात युवक के खिलाफ अजनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक नागपुर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के गार्ड ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जाकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई थी, जहां बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के हॉस्टल एरिया में रात करीब 2 से 3 बजे एक अज्ञात युवक घूमता नजर आ रहा था, जो कि हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खटखटाकर छात्राओं को डरा रहा था। कुछ लड़कियों ने बहादुरी से इस अज्ञात आरोपी का वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तौर पर 25 से 30 साल की उम्र का एक व्यक्ति परिसर में बेफिक्री से घूमता दिखाई दे रहा है। छात्राओं ने इसकी शिकायत छात्रावास प्रशासन से की थी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। छात्राओं के मन में जिसको लेकर भय का माहौल बना हुआ था। अब इस मामले में अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हुए थे। फिलहाल दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। याच्यामध्ये आमच्याकडे दिनांक 6 मार्चला त्या नर्सिंग कॉलेजच्या प्रिन्सिपल यांनी येऊन एक माहिती दिली की अशा स्वरूपाचं एक अज्ञात व्यक्ती जे लेडीज हॉस्टेल आहे त्यामध्ये रात्रीच्या वेळेस प्रवेश करतो आणि हा जो प्रकार आपण सांगत आहात हा 2 तारखेच्या रात्रीचा आहे। त्याबाबत आमच्याकडे 6 तारखेला जेव्हा तक्रार प्राप्त झाली त्या तक्रारीनुसार आम्ही IPC 447 448 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये जी माहिती प्राप्त झाली आहे ती अशी आहे, ही जी तक्रार आहे ही ॲक्च्युली त्या ठिकाणी असणारे सिक्युरिटी गार्ड धनराज मछले यांनी दिलेली आहे। त्यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार त्या नर्सिंग कॉलेजच्या लेडीज हॉस्टेलमध्ये काही PG लेडीज स्टुडंट्स महिला स्टुडंट्स देखील राहत आहेत आणि त्यांच्या ड्युटी आवर्स वेगवेगळ्या असल्या कारणाने त्या रात्री वेगवेगळ्या वेळेस हॉस्टेलमध्ये येत असतात, त्यामुळे त्यांचं जे मेन गेट आहे ते पूर्णतः बंद नसते। या ठिकाणी हे जे फिर्यादी आहेत तक्रारदार सिक्युरिटी गार्ड हे काही कारणास्तव थोडेसे त्या ठिकाणावरून बाजूला गेलेले असताना हा एक अज्ञात इसम आतमध्ये घुसला आणि तो घुसल्यानंतर तत्काळ ते काही महिला स्टुडंट्स आणि या सिक्युरिटी गार्ड यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी त्याला हटकण्याचा प्रयत्न केला असता तो पळून गेला अशा आशयाची त्यांनी तक्रार दिलेली आहे। तर त्या संबंधाने आम्ही तक्रार नोंद करून जे काही CCTV फुटेज आणि काही व्हिडिओ प्राप्त आहे त्यानुसार त्या आरोपीचा शोध घेत आहोत। परंतु या ठिकाणी ते गेट जे आहे ते पूर्णतः बंद केलेलं नसतं, त्यामुळं त्यामध्ये अशा प्रकारे तो इसम घुसलेला आहे असं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलं आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।